दोस्तों आज खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और लाइव वीडियो में बेइज्जती कर रहे थे या तारीफ कर रहे थे हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि दोस्तों वो बोले कि हमारे पास अभय भैया फ़ोन किए, बोले कि बाबू तुम्हारा ही सारा फिल्म हिट हुआ है, इस बार तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा अवार्ड किसी और को देना पड़ेगा। कि बेटा पिछले साल तुम्हारी फिल्म रिलीज हुई है ज़्यादा और ज़्यादा चली भी है, चाहे वो आशिकी हो या बोल राधा बोल हो या डोली सजा के रखना हो, और ये तीन तीन सिनेमा तुम्हारे पिछले साल के हिट हैं और बेहतर एक्टर हो तुम। अब अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे किसी और को देना पड़ेगा। खेसारी लाल बोले कि ठीक है अभय भैया कि हम नहीं आएंगे, हम फिल्म के शूटिंग में व्यस्त हैं, कि मेरा अवार्ड किसी और को दे दीजिएगा। मैं बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, मुझे वक्त नहीं है और मुझे पता है कि हाँ मैं जिस चीज का हकदार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिनेमा में कर रहा हूँ अगर मैं आऊंगा तो वो कहीं ना कहीं उनका 3 दिन का सफर होता है। यानी कि इस बार खेसारी लाल यादव के मंजूरी से अवार्ड दिया जाएगा किसको, किसी और को। अब जिसको भी मिले, हम नाम नहीं जानते हैं ना पता है हमको नाम, लेकिन जिस किसी को भी मिलेगा वो खेसारी लाल का ही अवार्ड होगा। खेसारी लाल जाते तो खेसारी लाल को मिलता, खेसारी लाल नहीं जा रहे हैं तो उस कलाकार को मिल रहा है अवार्ड। खेसारी लाल के रहमो करम से अवार्ड दिया जाएगा दूसरे कलाकार को। बाकी दोस्तों ये क्या है, कॉमेडी ही ना है। मतलब खेसारी लाल यादव नहीं जा रहे हैं तो उनका अवार्ड किसी और को दे दिया जाएगा। चाहे खेसारी लाल के घर नहीं पहुंचाया जा सकता है अवार्ड कि हाँ लीजिए ये आपके हक का अवार्ड है, आप खेसारी लाल के मैनेजर्स को ले जाइए उनको दे दीजिएगा, खेसारी लाल की तरफ से वो ले लेंगे अवार्ड। तो ये कॉमेडी है, ये अवार्ड शो है, ये कॉमेडी शो चल रहा है, क्या बोल सकते हैं आप लोग, बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या कहना चाहते हैं इस पे। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भोजपुरी।